कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आरजे ज्योति, आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ पंछी कभी भी टहनी हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि उस पंछी को टहनी पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा होता है। अक्सर जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती है तो हम यही सोच बैठते हैं कि आगे का रास्ता तय करना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर खुद की काबिलियत, खुद की मेहनत पर भरोसा हो तो हर मुश्किल में हम डगमगाते नहीं बल्कि आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए डाल पर बैठे उस पंछी के पंखों की तरह आप भी खुद पर भरोसा रखें। तो चलिए अब हिमगिरी की इन्फोशाला में आगे जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती 5 सितंबर को होती है। उन्हीं की याद में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेवल पर ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का सिर्फ यही लक्ष्य है कि शिक्षकों के महत्व और उनके योगदान को सम्मान दिलाना। जिस तरह से भारत में शिक्षक दिवस शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सारी दुनिया में शिक्षकों की भूमिका और उसकी जिम्मेदारी को समझाने के लिए मनाया जाता है। 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक बैठक हुई जिसमें कि शिक्षकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों, रोजगार और आगे की शिक्षा के साथ गाइडलाइन बनाने की बात कही गई थी। संयुक्त राष्ट्र में विश्व शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए साल 1994 में 100 देशों के समर्थन से यूनेस्को की सिफारिश को पारित कर दिया गया। इसके बाद 5 अक्टूबर 1994 से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। शरीर में थकावट महसूस हो या फिर पोषण की कमी, दोनों ही समस्याओं से निजात पाने के लिए मल्टीविटामिन्स का नाम दिमाग में सबसे पहले आता है। पिछले कुछ सालों से मल्टीविटामिन्स का उपयोग लोगों के बीच काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों का मानना है कि मल्टीविटामिन्स की गोलियां खाने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी दूर होने के साथ ही थकान भी दूर होती है, लेकिन साथ ही कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है। क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा मल्टीविटामिन्स का सेवन करने से आपको फायदे की जगह नुकसान भी पहुंच सकता है? तो चलिए आज के हेल्थ सेक्शन में जानते हैं इसी से जुड़ी कुछ खास। जैसे कि बॉडी में विटामिन सी या जिंक की ज्यादा मात्रा यानी कि अधिकता होने से व्यक्ति को डायरिया, क्रैम्प, गैस्ट्रिक, थकान और घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं कई ऐसे विटामिन होते हैं जो कि शरीर में जाकर जमा हो जाते हैं। विटामिन ए की अधिकता लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि विटामिन डी की अधिकता से हार्मोनल गड़बड़ी हो सकती है। साथ ही स्किन की खूबसूरती यानी कि त्वचा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए विटामिन ए खाया जाता है, लेकिन शरीर में इसकी ज्यादा मात्रा होना इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। वहीं जिंक का ज्यादा सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन साथ ही अगर विकल्प की बात करें यानी ऑप्शंस की बात करें तो एक सीमित मात्रा में गोलियों को खाने से बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि किसी को भी इन गोलियों पर अपनी निर्भरता नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आखिर में आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 2 हफ्ते के लिए बढ़ाकर 19 अक्टूबर तक कर दिया गया है। दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया गया है। कोरोना रिपोर्ट के बिना बाहर से आने वालों की उत्तराखंड में नो एंट्री रहेगी। पहले की जारी गाइडलाइन में निर्धारित शर्तों को वैसा का वैसा ही रखा गया है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों के लिए भी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को लाना अनिवार्य हो गया है। वैक्सीन के 2 डोज का प्रमाण पत्र दिखाने पर किसी भी समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर के 72 घंटे की पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। इसी तरह कोचिंग सेंटरों में अभी भी 18 साल से अधिक उम्र वाले युवा ही 50% क्षमता के साथ आ सकेंगे। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नए दिन की कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।